जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रसिद्ध सूफी संत हजरत बाबा हैदर रेसी का उर्स बड़े ही अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। हजरत बाबा हैदर रेसी के दरगाह पर चल रहे वार्षिक उर्स समारोह में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग समान रूप से रहे हैं। उनका जन्म एक लोहार परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनके पास चमत्कारी शक्तियां थीं। वो सूफीवाद और आपसी भाईचारे के प्रचारक थे। उन्होंने सभी समुदायों के बीच शांति और समृद्धि और भाईचारे का संदेश दिया। उनके वार्षिक उर्स के मौके पर महिलाओं से लेकर बच्चे सभी पहुंचकर प्रार्थना कर रहे हैं। 458वां वर्ष मुबारक है, 458th वर्ष मुबारक ऑफ हजरत हैदर बाबा वली ऋषि, हजरत हरदी बाबा वली ऋषि रहमतुल्लाह अलैह, जिसको प्यार से रिशमोल कहते हैं। ये बराबर जो सिलसिला है, बराबर इतने साल मनाया जा रहा है, जब हजरत बाबा हरदी ऋषि रहमतुल्लाह ताला 986 हिजरी में औली ज़िकादा इस दुनिया फानी को छोड़कर चले गए। ये अर्श मुबारक, इसकी खास अहमियत ये है कि ये 5 दिन मनाया जाता है, 2.5 दिन ज़िकादा से पहले और 2.5 दिन ज़िकादा के बाद। इस वक्त इसके ये अर्श मुबारक मना रहे हैं, जो कि 5 दिन पर मुश्तमल होता है, और इस दिन ये अफाजत होती है कि इस दिन इन 5 दिनों में यहाँ पूरे सिटी में गोश्त की पाबंदी होती है एहतरामन। और उसके साथ आपने क्या बोला था, और दीनी दरस इनका दीन सूफियत जो दीन होती है वो भाईचारे पे मुनसिर होती है। सूफियत उसी को कहते हैं जब दीन इक्वल, उसमें ना मुसलमान ना हिंदू ना सिख ना ईसाई, इक्वल होता है इंसान, उसमें इंसान होता है। जब इंसान दुनिया में इस तरह अवलिया पैदा होते हैं, तो वहाँ आप खुद ही देखते हैं कि वहाँ हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। इनका नाम रिशमोल है, और यहाँ सब दीन के पैरोकार आते हैं। और हमने रात भर शब खाने की, और हमने दुआएं की, दुआएं मांगी, मिल के मांगी है, मुल्क के लिए मांगी है, मुल्क के लोगों के लिए मांगी है, इंसानियत के लिए मांगी है, भाईचारे के लिए मांगी है।